चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हैदराबाद गैंगरेप और हत्याकांड की, जिसके चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है और इसे लेकर अब देश में खुशी का माहौल है। ये खुशी पंजाब के भी कई जिलों में देखने को मिली, अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मोगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमृतसर की, रूपनगर, पटियाला की तस्वीरें। स्थानीय महिला मोगा में किस तरीके से उन्होंने इस खुशी का इजहार किया, कॉलेज छात्राओं ने किस तरीके से खुशी का इजहार किया। रूपनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो छात्राएं हैं वो भारी संख्या में इकट्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने तेलंगाना पुलिस की तारीफ की। और इसके साथ ही और भी पटियाला की जो स्कूली छात्राएं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत टाइम तक केसेस जो है वो लटकते रहते हैं और पुलिस कोऑपरेटिव नहीं होती है, बट हैदराबाद पुलिस को वाकई इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा सल्यूट है कि उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया, उस लड़की को इंसाफ दिलाया। लास्ट वीक हमारे पंजाब में लुधियाना पुलिस ने भी कुछ नंबर्स जो हैं अपने कॉन्टैक्ट जारी किए हैं पूरी सिटी में कि वो लड़कियों को, इवन उन्होंने ये भी मैसेज दिया है सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, कि जब भी वो कहीं लेट नाइट बाहर होती हैं तो वो पुलिस को कॉल कर सकती हैं। आजकल कॉमन हो चुका है, अगर ये लोग सज़ा ना देते तो ये और बढ़ता ही जाना था। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि उनको सज़ा दी, बट फिर भी उनको इतनी आसानी से सज़ा दी, उनको इतना गंदी तरह मारना चाहिए था कि वो लोगों को किसी की भी बात में हिम्मत ना हो ये सब करने की। और तुम लोग कहते हो कि कपड़े डाले हैं ये वो, उसको तो थी भी साड़ी में आई थिंक, और वो है भी 26 ईयर की, एक डॉक्टर है, तो आजकल तो 9 मंथ्स की बच्ची सेफ नहीं है। मुझे लगता है जो भी पुलिस ने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ उसी एज में हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। बीइंग अ फीमेल मुझे पता है, आई कैन फील दैट। तो अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए तो ये क्राइम इसका रेट बढ़ ही रहा है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बढ़ ही रहा है। तो जैसे हमने निर्भया केस में भी देखा, उसका अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं पता लगा है, लोग बहुत ही उससे डिसअपॉइंटेड। मैंने एनकाउंटर किया जो इन्ह ने तो बिल्कुल वैसे तो ठीक भी किया है, पर यह एनकाउंटर करना कोई सोल्यूशन नहीं है। नाल एनकाउंटर करना यह थोड़ा कि एक बंदे नू कर लिया तो सारे, मतलब एक एनकाउंटर कर लिया सिर्फ चार बंदे नू, यह थोड़ा कि सारे नू एनकाउंटर हर जगह पर हो रहा, हर शहर में हो रहा, हर शहर में बंदे नू चाहिए कि असी एडवरटाइजमेंट करिए, असी मतलब जागरूक करिए सारे नू कि गर्ल्स नाल में अच्छे तरीके नाल बिहेव करन। बहुत अजकल देखने मिलता है कि असी कितने भी जाइए इवें मतलब साढ़े भी देखने लग जाते हैं, इवें अच्छा नहीं लगता। मैं इसी एनकाउंटर बारे यही कहना चाहती हाँ कि अगर असली दोषियों का एनकाउंटर होया तो बहुत वधिया गल है, अगर असली दोषियों का एनकाउंटर होया तो बहुत वधिया गल है, पर अगर मतलब इस एनकाउंटर का मतलब ए ना हो संविधान वालों या फिर किसी भी तरह के दोषियों वालों यदा गलत इस्तेमाल किया जाए एनकाउंटर की गल का, भी हाँ उस तो गलत दोषियों गलत इंसानों फड़ के उन्होंने उपर इदा किया जाए, उन्होंने एनकाउंटर किया जाए। तो दूसरी गल है कि अगर इस तो वधिया सज़ा देखी जाए तो कुड़ी जिवें कह के गई भी काला पानी की सज़ा,